वेलकम एवरीवन। आज का प्रश्न है, उठाओ तुम हो अति बड़भागी, यह पद कौन से कवि का है। तो यह पद जो है सूरदास का है। इसमें सूरदास जी के द्वारा यह लिखा गया, जिसमें उद्धव जी के बारे में और गोपियों के बारे में बात की गई है। प्रश्न है कि उठाओ कौन है, उठाओ कौन है। उठाओ यहाँ पर उद्धव नाम से इन्हें संबोधित करते हैं। तो घै ऑप्शन जो है उद्धव हैं, जो श्री कृष्ण के दूत बनकर के गोपियों को संदेश देने के लिए आते हैं। फिर प्रश्न आता है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, यह कथन किसका है। तो यह कथन गोपियों ने कहा था। प्रश्न है, योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा, उन्हें कड़वी ककड़ी के जैसा लगा था। तो ऑप्शन कैसे सही है, गोपियों के अनुसार राजनीति में निपुण कौन हो गया है। तो श्री कृष्ण राजनीति में निपुण हो गए हैं। गोपियों के लिए व्याधि क्या है, व्याधि का मतलब होता है रोग या बीमारी। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा कैसे मन के लोगों के लिए उचित है, जिनका मन चंचल हो उनके लिए वह उचित है। सच्चा राजधर्म किसे सुखी रखना है, प्रजा को सुखी रखना सच्चा राजधर्म माना जाता है। प्रश्न है, श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा जाते समय ब्रज से किसका मन चुरा करके ले गए थे। तो यहाँ पर उत्तर आएगा, गोपियों का मन चुरा करके वो ले गए थे। आज के लिए बस इतने ही प्रश्न हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी के नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।